हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरी वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुहेल, आप देख रहे हैं दी मैन लाइव। अभी मजा आएगा ना। रात में कैसा माहौल होता है वो आप देख सकते हैं, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑसम। काफी भीड़ भाड़ है माल रोड पे। ये टाइम है मिड जून के आसपास का, और माल रोड और सॉफ्टी ना खाओ। So, 50 रुपये में 18 ऑन सॉफ्टी, उसके बाद स्ट्रीट फूड का मजा लीजिए, पाव भाजी, मोमोज, ऑल दिस लोकल फूड। अगर आप आए तो यहाँ का लोकल फूड है सिड्डू, सिड्डू वो ट्राई कर सकते हैं। और रात काफ़ी हो गई थी, तो इस बार लौटते समय हमें बस नहीं मिली, तो इस चक्कर में हमें कैब करनी पड़ी, और कैब वाले ने लगभग लिए वहाँ से मंसारी के लिए 900 रुपये। सो जितने पैसे भी तो बचाए थे सारे पैसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मनाली से दिल्ली के लिए। निकल रहे हैं यहाँ से मनाली से दिल्ली के लिए। तो हमने अभी अपना होम स्टे छोड़ दिया है, तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे स्टे, और लगभग हम रुके यहाँ पे 15 दिन के आसपास। और ये रहा होम स्टे का नाम, गाड़ी तैयार है अपनी, ऐसा नाइट। तो टाइम हो चुका है लगभग 5:50 सुबह के, तो अब लाइटें वगैरह थोड़ा बंद कर देते हैं होम स्टे की, और निकलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। देखते हैं कितना जाम मिलता है। सो अगर आपको अपडेट रहना है जाम के बारे में, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम suhel_photography.com। सो हमने लॉक कर दिया, निकल रहे हैं। कल ही बात करी थी अपने होम स्टे वाले से, तो एक बार फाइनली व्यू देख लीजिए यहाँ से, ये सारे एप्पल के पेड़। और निकलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। चलते हैं हमारा दोस्त हट्टा कट्टा, अरे हट्टा कट्टा कमान पूरा। इधर जब हम पहुंचने वाले हैं कुल्लू, जो यहाँ से लगभग अभी 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है, और ऑलमोस्ट हम नीचे आ चुके हैं बिल्कुल एकदम नदी के। सामने देख सकते हैं बेस रिवर, बियास, बियास रिवर, और ये हल्की हल्की सनराइज हो रही है ऊपर, और सामने जैसे कैंप लगे हैं। कौन सा 150? ये वाली भी है, सिंपल वाली, ये नॉर्मल जो है, ये भी वैसी है भैया, पर छोटा साइज है ना। ये इसका क्या रेट है? ये आपकी 60 रुपये, बड़े वाली 30 रुपये। ये वाले ले ले, इसमें ले ले। ये रसोई तो मैं टेस्ट करा दूंगा। ये
फास्ट फूड खरीदने के लिए, तो टेस्ट कराने कराने में उन्होंने कम से कम मैं आधे पौन किलो फ्रूट खिला दिए। तो ये बेसिकली दुकान रास्ते में पड़ती हैं आपके कुल्लू मनाली हाईवे पे, तो आप वहाँ से रुक के ले सकते हैं। बेसिकली लें तो आप थोड़ा मतलब ऐसे अमाउंट में लें और खुले में लें, ताकि बहुत यहाँ पे स्कैम भी चलता है जहाँ पे आप डिब्बे में लेते हैं और नीचे ऊपर तो सही सही होता है, बट नीचे अंदर वाले में काफ़ी ख़राब चीज़ होती है। सो बट ये लोग काफ़ी सही थे और हमने काफ़ी कुछ फ्रूट खरीदा यहाँ से। उसके बाद हम निकल रहे हैं आगे वादियों को देखते हुए और नज़ारों का मज़ा लेते हुए लोग हम लोग पहुँचे। और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से और टनल पहुँच जाएंगे, फिर और टनल क्रॉस करके फिर सफ़र आगे शुरू होगा हमारा। लो शुरू हो गया टनल। अभी पहुँच गए हम सुंदर नगर के मनाली स्वीट्स में, हम देख सकते हैं मिला गरम करेंगे ना दोनों। बस हाथ तोड़ो तो उठ नहीं रहा। दिखा गया बहुत बहुत हार्ड है। सो डोनट तो ख़राब निकला, तो हमने इसके साथ हमने ऑर्डर किया था छोले समोसे, छोला समोसा प्लस छोला पूरी, छोला भटूरा। तो ये भटूरा आ गया हमारे पास, काफ़ी बड़ा भटूरा है, हमें लगा शायद एक ही मिलेगा बट दूसरा तैयार हो रहा है, तो दूसरा भी आने वाला है। और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा था ये, तो मोस्टली जैसे दिल्ली वगैरह में काले रंग के छोले मिलते हैं, बट यहाँ पर थोड़े वैसे डिफरेंट टाइप के छोले थे जैसे नॉर्मल छोले होते हैं। ये लीजिए दूसरा भटूरा भी आ गया, काफ़ी बड़ा है मतलब काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। और इसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से मनाली स्वीट्स एंड बेकर से। फिर बच्चों ने जिद करी कि पिज़्ज़ा खाना है, सो हम आ गए हंगरी पॉइंट। हंगरी पॉइंट भी एक अच्छा मतलब फूड पॉइंट है यहाँ का सुंदर नगर का, आप ट्राई कर सकते हैं। और सुबह सुबह पहुँचे हैं तो अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। सो अच्छा का जाम मिल गया यहाँ पे, और कम से कम 12 मिनट का जाम है यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तगड़ा वाला, कोई क्रेन व्रेन दिख रही है यहाँ पे, बस से हुआ है, वॉल्वो बस का हुआ है किसी के साथ, क्रेन के साथ हो गया, क्रेन लगी पड़ी है। ड्राइवर इतना बैठा हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जाम ही जाम पड़ा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक लेके पूरा जाम ही जाम पड़ा हुआ है। सो हम दोस्तों अभी जैसे हमने पार्क किया बिलासपुर, उसके बाद से शुरू हो गया है, एक एक्सीडेंट हुआ था बस का,
बाकी जाम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ जाम तो बेसिकली लोगों की बेवकूफ़ की वजह से लग रहा है, पता नहीं लोगों को क्या जल्दी है, दो लाइन तीन लाइन बना रहे जबकि सिंगल लाइन हो सकती थी। रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, रॉन्ग लेन से आ रहे हैं, खुद भी लेट हो रहे हैं, लोग दूसरे को भी लेट कर रहे हैं। सब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं यहाँ पे। और जाम देखो पीछे पूरा लंबा जाम लगा पड़ा। तो अभी पहाड़ खत्म हुए, हम करतारपुर साहिब पहुंच चुके हैं। ग्रीन ग्रीन नदी बहते हुए झरना। वैसे भी हम लोग हैं अल्पाइन ढाबा में। वाह ये पड़ता है भारत भरतपुर ऑन द वे टू मनाली। बिजली हो रही है ना, चलते देखते हैं अंदर। जो खास बात है यहाँ की, एक तो दिखा दो मैं क्या ट्रैक्टर। वाह दे सकते हैं इसको वॉशरूम। झगड़ा बीच में खाना कमाल की चीज से रखा हुआ एक छोटा सा, तो फील आपको एकदम रॉयल फील देंगे आपको यहाँ पे। स्पाइडरमैन चल 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 इधर भी है, इधर भी है एसी, नॉन एसी। रोटी रख, रोटी पहला तो अपन देख लिया कि रॉयल बाथरूम था, मतलब वॉशरूम था रॉयल टाइप का। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे खाने के साथ लस्सी फ्री मिलती है, सो लेट्स आस्क वेटर से कि भैया क्या सीन है लस्सी का। कितना कितने खाओ तो मिलती है फ्री लस्सी? फ्री लस्सी वहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ख़त्म हो जाती है उसको, वो उसको पी के कोई फायदा नहीं है। देखिए उसमें पानी होता है, वो चिट्टा पानी बस। अच्छा अच्छा छाछ चाय का। सो अभी पहुंच चुके हैं अंबाला की हवेली पे। सो ये हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है, जब भी हम लोग यहाँ इस तरफ आते हैं तो वापसी के टाइम पे यहाँ पे जरूर रुकते हैं, चाहे चाय पानी के लिए या थोड़ा फ्रेश होने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे जो फील है, मतलब हाइजीन और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है इसकी ढाबे की। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी, चेक करते हैं क्या थोड़ा अंदर एसी चल रहा था, बाहर निकलते कैमरे पर थोड़ी धुंध सी आ गई है। सो देखिए हवेली, वाह शाम का टाइम है, लाइटें जल गई चकाचक।
अभी खाने का ज़्यादा मन तो नहीं है, अभी तो रास्ते थोड़े 2-3 घंटे पहले हमने अल्पाइन में खाना खाया था। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेंगे थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो यहाँ की चाय ट्राई कर सकते हैं, चाय काफ़ी अच्छी होती है, कोलड वाली चाय बेसिकली, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। तो हमने कोलड वाली चाय और कुछ पकौड़े वगैरह लिए, और रिफ्रेश होकर थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा स्ट्रेचिंग करके हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे टूअर्ड दिल्ली के लिए। आज के लिए पंखे हर जगह दिखाने देखने लगे हैं, मतलब वो पानी वाले फुहारे छोड़ते हुए पंखे। और अब निकलते हैं और सीधा पहुंचते दिल्ली। अब इसके बाद कहीं हम नहीं रुकेंगे, सीधा घर पहुंचते हैं। तो दोस्तों रात के 12 बजे हैं और फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं सही सलामत। थोड़ा ट्रैफिक जैम मिला हमें NH पे भी, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब लगभग 18-20 घंटे लग गए हमें वहाँ पहुँचने। आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कुछ क्वारी, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो फिर प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको जवाब देने का। बट थैंक यू, बाय, टेक केयर।